राजस्थान कांग्रेस संकट के कुछ तत्वों में से एक ये भी है कि पार्टी अब उस स्थिति में नहीं लौटेगी जब पायलट ने अपने 18 वफादार विधायकों के साथ वॉकआउट किया और 200 सदस्य सदन ग्रैंड ओल्ड पार्टी के पास तलवार की धार पर चलने जैसा कम बहुमत रह गया। कभी कांग्रेस के भविष्य के रूप में जिन पायलट का नाम लिया जाता था उनके पास सिर्फ चुनौतीपूर्ण विकल्प बचने हैं। कांग्रेस के पाले से बाहर रहने की स्थिति में क्या वो राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या पायलट ऐसा कर सकते हैं? अगर पायलट अब एक ऐसे संगठन का निर्माण करने की योजना बना रहे हैं जिसकी धुरी मुख्यमंत्री के रूप में उनके इर्द गिर्द रहे तो पिछले रुझानों से लगता है कि उनकी किस्मत चूक सकती है। सीधे शब्दों में कहें, किसी भी क्षेत्रीय दल ने कभी भी इस रेगिस्तानी राज्य में इन मेकिंग जैसी हैसियत हासिल नहीं की है। अगर पायलट बीजेपी के साथ जाना पसंद करते हैं तो वो फिर राज्य में सबसे ऊंचा पद अपने हाथों से बीजेपी के कई कद्दावर नेताओं में से किसी के हाथ में विफलता देख सकते हैं। क्षेत्रीय दल राजस्थान में रहे हैं। पहले दो राज्य विधानसभा चुनावों के बीच के शुरुआती दौर में अखिल भारतीय राम राज्य परिषद यानी RRP कांग्रेस के लिए एक चुनौती के रूप में उभरी, लेकिन इसके विकल्प के तौर पर पेश आने के लिए पर्याप्त आधार नहीं था। पहले दो चुनावों के बाद RRP ने प्रासंगिकता खो दी। उसका वोट शेयर 10% वोट से घटकर 2% पर आ गया। साल 2018 के आखिरी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के दो पूर्व नेताओं ने अपनी पार्टियां बनाई। हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में RLP और घनश्याम तिवारी की अगुवाई में भारत वाहिनी पार्टी सामने आई। फिर भी ये दोनों नए दल मिलाकर भी 3% से भी कम वोट पा सके और सिर्फ 3 विधानसभा सीटें इनके खाते में हैं। PSP ने राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी की बाइपोलर राजनीति को चुनौती देने की कोशिश की। इसने अनुसूचित जाति का एकमात्र दावेदार बनने पर दाव खेला जिसमें वो एक हद तक कामयाब भी हुई। 2008 के विधानसभा चुनाव में था जब PSP को 8% वोट मिले और उसने 6 सीटें जीती, लेकिन मौजूदा वक्त में ये विधायक भी कांग्रेस के पाले में चले। पिछले 7 दशकों में राजस्थान के किसी भी क्षेत्रीय प्लेयर या पार्टी को पेश करने में नाकाम रहने का एक कारण ये भी है कि कोई नेता ऐसा नहीं रहा जो अपने निजी करिश्मे के साथ राज्य में मजबूत निर्वाचन क्षेत्र का निर्माण कर सकता। इसके अलावा राज्य की जटिल जाति डायनामिक्स और नेताओं के बीच मजबूत वैचारिक दूरदर्शी एजेंडे की कमी ने राजस्थान में क्षेत्रीय पार्टी की संभावना को परवान नहीं चढ़ने दिया। बिहार और उत्तर प्रदेश में यादवों और महाराष्ट्र के मराठाओं के विपरीत राजस्थान में कोई भी जाति ऐसी नहीं जो पूरे राज्य में फैली हुई हो। जाट राज्य में सबसे बड़े इकलौते जाति समूह है, लेकिन उत्तर की तुलना में दक्षिण राजस्थान में उनकी उपस्थिति कम है। इसी तरह भरतपुर और जयपुर संभाग में गुर्जरों की मजबूत उपस्थिति है। जोधपुर संभाग में जाटों की तरह फिर से गुर्जर मतदाता की उपस्थिति नगण्य है। साथ ही बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने राज्य में विभिन्न प्रमुख जाति और समुदायों से अपने नेता तैयार किए। दूसरा, राज्य के ज्यादातर नेता जिन्होंने किसी बड़ी पार्टी से अलग होकर गुट बना लिया, उन्होंने ऐसा किसी मजबूत वैचारिक कारण या भावनात्मक जुड़ाव की वजह से नहीं किया, बल्कि खुद की महत्वाकांक्षा के पीछे दौड़ने के लिए किया। हालिया समय में ऐसा कोई भी नेता बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ स्पष्ट वैचारिक स्थिति का प्रस्ताव रख पाने में कामयाब नहीं हुआ। ऐसे में सचिन पायलट के लिए अलग दल की राह बहुत व्यवहारिक दिखाई नहीं देती। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।